और राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा का एक चरण मुकम्मल कर लिया है। बतौर पीसीसी चीफ डोटासरा साहब, जो लक्ष्य तय किए थे, क्या ये यात्रा का चरण उन लक्ष्यों तक पहुंच पाया, उनको हासिल कर पाया? निश्चित रूप से देखिए, जो उद्देश्य है भारत जोड़ो यात्रा के वो व्यापक है। एक दिन में उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप देखोगे भाई, एक दिन हम पैदल चल लिए, दो दिन हम यात्रा में चल लिए, तो क्योंकि जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, आरएसएस ने जो डर का माहौल पैदा कर रखा है, जो नफरत कर रखी है, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या ज्यों की त्यों मुंह बाए खड़ी है बल्कि बढ़ी है, कोरोना काल में और नौकरियां चली गई जो पहले नौकरियां थी, महंगाई कम नहीं हो पा रही है, जो 55-57 रुपये डीजल था वो 108 रुपये बिक रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप समझिए। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी सही बात कह रहे हैं, और इन्होंने जब जब भी कही है, चाहे चाइना का हमारी ज़मीन पे कब्जा करने की बात हो, चाहे कोरोना में नेग्लिजेंसी केंद्र की सरकार कर रही है वो बात हो, चाहे दूसरे मुद्दे हों, वो सारे के सारे तमाम जनता के समझ में आ रहे हैं, इसीलिए इतना शानदार जो है वो रिस्पांस आ रहा है। आज लाखों की शानदार है, मुद्दे भी तमाम है, लेकिन डोटा साहब आप लगातार साथ चलते रहे, किस तरह की बातचीत आपकी इस दौरान राहुल गांधी से होती रही? आज शहर को क्रॉस किया था आज यात्रा ने। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो यहाँ से MP हैं, उनका गृह नगर और वहाँ लाखों की संख्या में राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे देश में माहौल बन गया है। ये तो पहले तो ये BJP वाले करते थे, वहाँ ठीक नहीं होगा, वहाँ ठीक नहीं, झालावाड़ में हमारा एक MLA नहीं, MP 25 साल से नहीं, और हजारों की संख्या में साथ चल रहे थे, और बच्चों की जो प्यार है, बच्चों का, महिलाओं का, सड़क के ऊपर सुबह से, एक अभी कह रहे थे कि साहब हम तो 5 बजे ही आके खड़े हो गए थे कि भाई कब राहुल गांधी आए और कब हम मिले। तो ये जो प्यार है ये निश्चित रूप से रंग लाएगा, और आप देखिए कि मोदी सरकार की विदाई होगी। एक घटना सर आज हुई, एक व्यक्ति ने खुद को आग लगाने का प्रयास किया, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने पूरी घटना के बारे में तो मैंने इतना सा पता लगाया कि वो जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं बताया गया है, जो सूचना मेरे पास में आई है, और इस यात्रा से उसका कोई रिलेवेंसी नहीं थी, बाकी क्या है क्या नहीं है वो पुलिस देखेगी और डॉक्टरों में इलाज चल रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तत्काल भारत जोड़ो यात्री जो चल रहे थे उन्होंने तत्काल आग बुझा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और उसको बचाया। आखिरी सवाल डोडा साहब, आज रिजल्ट आए हैं, गुजरात में फिर एक तरह से बम्पर जीत BJP को मिले, लेकिन आपको हिमाचल प्रदेश फील गुड करा रहा है? आप देखिए, राजस्थान नहीं पूछेंगे, सरदार शहर में मैं कह के आया था कि ये भाजपा 13 जगह बटी हुई है, ये मुंगेर लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का जो खेल खेल रहे हैं, 101 आने पे राजस्थान में मुख्यमंत्री बनता है, ये टुकड़ों में बटी हुई है। अर्जुन मेघवाल भी, उसका संयोजक कमेटी का राजेंद्र राठौड़, राम सिंह जी कशवा, और वहाँ का MP और सब लग करके, पूरी BJP लग करके, और 30,000 से ऊपर चुनाव हार रहे हैं, और चैलेंज करके, मैंने कहा था चैलेंज करके आया था कि राजेंद्र राठौड़ ने साजिश करके ये सीट वैकेंट रखने के लिए एक कमज़ोर उम्मीदवार जो कह रहा था कि मुझे नहीं लड़ना क्योंकि मैं जीत नहीं पाऊँगा, क्योंकि 4 साल में BJP ने उसको पता है कि कुछ किया ही नहीं, कोई सरकार की एंटीकम्बेंसी नहीं, गुड गवर्नेंस है, अच्छी फ्लेक्सिव योजनाएं हैं, एक फ्लेक्सिव योजना में ये कमी नहीं बता पाए, एक संघर्ष 4 साल में ये नहीं कर पाए। हम 9 उपचुनाव में से केवल और केवल BJP एक जीती है, और एक संयुक्त RLP और BJP जीती है, बाकी 7 उपचुनाव में जबकि जीते ही नहीं जाते। तो देखिए।